हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जो हम स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, कोई भी स्टॉक जो है आप उसमें कब एंट्री बना सकते हैं, एंट्री बनाएंगे भी या नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम कैसे जो है डिफाइन करेंगे, वो चीज़ जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। वीडियो जो है बहुत लंबी हो सकती है, इसके लिए मैं इसको पार्ट पार्ट में बनाने की कोशिश करूँगा। छोटा रहेगा, आपको कम समय में अच्छी जानकारी देने की मैं कोशिश करूँगा, और मैं पार्ट वाइज में इसको लिख दूँगा। पार्ट वन, पार्ट टू, जितने भी पार्ट में तैयार होगा, मैं कोशिश करूँगा 3 या 4 पार्ट में पूरी तैयार हो जाए, क्योंकि एक ही बार जो वीडियो लंबा हो जाएगा तो अक्सर लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, बोरियत महसूस होता है। ठीक है, कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले हमको क्या है, मार्केट का प्राइस के बारे में हमको जानना होगा, क्योंकि मार्केट जो है प्राइस पे काम करती है, प्राइस एक्शन पे काम करती है। और प्राइस एक्शन कैसे बनता है, मार्केट जो है सुबह ओपन होने से लेकर और शाम को क्लोज होने तक बीच में जो कुछ भी हुआ, वो मार्केट क्लोज होने के बाद एक जो है उसका रेट फिक्स हो जाता है, ठीक है, जिसको हम CPR के नाम से जानते हैं। मैं ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं आपको सीधा सीधा बताने की कोशिश करूँगा। अगर उसका भी कैलकुलेशन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, या अगर आप कहेंगे तो मैं उसको बता दूँगा, ठीक है। फिलहाल समझते हैं कि CPR बनता कैसे है। CPR बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला CPR जो होगा इंट्राडे का होगा, दूसरा जो होगा स्विंग का होगा, तीसरा जो होगा पोजिशनल होगा, ठीक है। उसके बाद से CPR 3 प्रकार का भी होता है। इंट्राडे में भी 3 प्रकार आएगा, स्विंग में भी 3 प्रकार आएगा, और पोजिशनल में भी 3 प्रकार आएगा। आप सभी जो है उसके बारे में नाम सुने होंगे, बहुत से लोग उसको जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहता हूँ। एक होता है नैरो CPR, दूसरा होता है वाइड CPR, और तीसरा होता है वर्जन CPR, ठीक है। वाइड CPR बोले तो बीच के जो इसका पिवट पॉइंट है, ये देखिए येलो लाइन, इसका पिवट पॉइंट हो गया, ऊपर का ब्लू लाइन जो हो गया वो हो गया TC, और नीचे का जो ब्लू लाइन हो गया वो हो गया BC, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया वाइड CPR। इनके बीच में गैप ज़्यादा होता है, इसको हम बोलेंगे वाइड CPR। और ठीक, मैं थोड़ा इसके पीछे आऊँगा तो आप देखने की कोशिश करिए, ये है नैरो CPR। नैरो CPR में क्या है, TC और BC और पिवट पॉइंट तीनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ये हो गया नैरो CPR। और एक होता है वर्जन CPR। वर्जन CPR कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके लिए मैं इसका थोड़ा मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूँ, ताकि आप जो है अच्छे से देखेंगे और अच्छे से क्लियरिटी से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, हमने 15 मिनट का भी चार्ट लगा लिया है। ये देखिए, एक जो है एकदम नैरो CPR बना हुआ है। मार्केट जो है यहाँ पे ओपन हुआ, हमारा पहली ग्रीन कैंडल पे ओपन हुआ है। ये देखिए, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। पहली ग्रीन कैंडल से मार्केट ओपन हुआ, फिर रेड कैंडल बनाया हैम्बर टाइप का, ये हो गया हमारा नैरो CPR। और शाम को जो है मार्केट हमारा क्लोज हो गया, ये देखिए रेड कैंडल पे ही हमारा मार्केट क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट डे जो है मेरा बना है CPR, और देखिए मार्केट ओपन हुआ रेड कैंडल के साथ, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद से कैंडल जो है उसमें गया नहीं, CPR को टच नहीं किया। CPR बोले तो उसका घर हुआ, ठीक है।
इसका घर हो गया सीपीआर, उसमें ये गया नहीं, गया नहीं मतलब वर्जन हो गया ये, ठीक है। शाम तक जो है उसमें नहीं गया, उसको बोलेंगे हम वर्जन सीपीआर। ये देखिए एक वर्जन सीपीआर यहाँ बना हुआ है, दूसरा हम वर्जन सीपीआर देखेंगे, इसको हम वर्जन सीपीआर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसमें जो है कैंडल की बॉडी की जो वीक है ये देखिए इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है, इसको हम वर्जन सीपीआर नहीं कहेंगे। तीसरा ढूंढते हैं, ये देखिए ये जो तीसरी है सीपीआर, ये हमारा वर्जन सीपीआर है, ठीक है। वर्जन सीपीआर की भी एक अलग स्टोरी है, वो मैं सब आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। पहले आप ये समझिए कि नैरो सीपीआर जब बनता है तो उस दिन जो है मार्केट बहुत ट्रेंडिंग रहता है, ट्रेंडिंग मार्केट जो है अप साइड में भी जा सकता है मार्केट या डाउन में भी जा सकता है, मतलब उस दिन मार्केट में रैली ज़्यादा रहेगी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम नैरो सीपीआर। वाइड सीपीआर जब बनेगा तो या तो उस दिन जो है मार्केट अगर अपने सीपीआर के अंदर, सीपीआर बोले तो अपने घर के अंदर जब वो एंट्री कर लेगा तो घर से निकलने को नहीं सोचेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसका घर बड़ा होगा वो घर में अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, कोई एक कमरा में वो पड़ा हुआ है तो नहीं निकलेगा घर से, उसको बाहर जाना वो ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, वो घर में ही रहना पसंद करेगा, वहीं घर में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, ठीक है। चलिए अब जो है इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।